Subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हैं। आपको उन लेडीज से मिलवाएंगे जिनके बारे में आपने बहुत सारी न्यूज देखी होगी, लगातार आपने इनके बारे में देखा होगा। हम असली सच्चाई जानने के लिए इनसे बात करेंगे, किसी सूत्रों से नहीं, डायरेक्ट इन्हीं से बात करके जानेंगे कि असली सच्चाई क्या है, असली फैक्ट क्या है डेरा सच्चा सौदा की, बाबा राम रहीम जी की, जिस समाज को जानने के लिए बहुत जरूरी है। यही बात हम इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? साधना गुप्ता। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? गाजियाबाद, NCR दिल्ली। आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हो? मैं डेरा सच्चा सौदा से 94 से जुड़ी हुई हूँ। 1994। क्वालिफिकेशन क्या है? 12th। तो आपकी पूरी फैमिली आती है? हाँ जी, मेरी पूरी फैमिली आती है। आपको पूरी फैमिली को आप यहाँ लेके आते हो, सेफ लगता है आपको यहाँ पर? बिल्कुल सेफ लगता है, मेरे बेटे, बहू, पोते सब लोग आते हैं यहाँ पर। और मैं अपने पड़ोसियों को भी चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसी मेरे यहाँ आ जाएं, उनके बच्चे भी उतने ही सेफ रहेंगे, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, सब इतने अच्छे हो जाएंगे। आप भी एक लेडीज़ हो, लेकिन लेडीज़ के बारे में जो यहाँ का दिखाया गया था वो एक अलग था, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है उस बारे में, जो दिखाया गया वो बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ हम 20 साल तो बिल्कुल पक्का आते हुए हमें हो गए हैं यहाँ पर, और 20 साल में हम लगता है महीने में 15 दिन भी यहाँ लगा देते हैं। उसके बावजूद भी मैंने आज तक यहाँ गलत कुछ भी नहीं होते देखा। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि अगर हम अपने बच्चे यहाँ लेके आए तो हम सेफ माइंड हो जाते हैं कि हमारा बच्चा कोई गलत काम नहीं करने का। यहाँ पे इतनी सेफ्टी है लेडीज के लिए भी। किस तरह से सेफ्टी आप कह रहे हो, क्या सिखाते हैं बाबा जी आपके बच्चों को, जो आपको, आप इतने जोर से उनसे साथ जुड़े हो? बाबा जी हमारे बच्चों को सिखाते हैं, पहले तो जब यहाँ पे नाम दिया जाता है तो यहाँ पे 3 शपथ दिलाई जाती हैं। एक शपथ होती है कि शराब नहीं पीनी, दूसरी होती है अंडा मांस नहीं खाना, और तीसरी होती है कि माँ बहनों सब औरतों को उम्र के अनुसार अपनी माँ बहन बेटी इस तरह से सम्मान देना है, उन्हें इस तरह से मानना है। इसलिए हम सोचते हैं कि सब बच्चे सेफ हैं यहाँ, उनकी सोच ऐसे ही बन जाती है। क्या सच में लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, नशा बंद कर देते हैं यहाँ पर, बहन बेटी मानते हैं अपने लड़कियों को? हाँ बिल्कुल, ये बात हकीकत है यहाँ पर। और आज समाज को जरूरत है बाबा जी की? आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी, क्योंकि उन्होंने नशा छुड़ाया। यूथ आज यहाँ पे हमारा 50% जितनी हमारी संगत बताई जाती है उसमें 50% यूथ है यहाँ जुड़ा हुआ। आज भी खड़ी है क्या यूथ बाबा जी के साथ, आज जैसे काफ़ी समय से वो नहीं है, क्या अभी भी है उनके साथ? आज के टाइम में भी उतना ही यूथ जुड़ा हुआ है, बल्कि कुछ बुजुर्ग जैसे कान के कच्चे होते हैं, वो लोगों की सुन के, समाज की सुन के कहने लगे, क्योंकि उन्हें मीडिया की सच्चाई नहीं पता होती कि मीडिया सही गलत क्या दिखाता है। पर यूथ को सब पता है आज समाज में क्या हो रहा है, यूथ बहुत ज़्यादा अवेयर है, एक्टिव है, तो यूथ आज भी जस का तस जुड़ा हुआ है। आपका क्या कहना है मीडिया के बारे में, क्या दिखाया था उन्होंने डेरा के बारे में, क्या है वो? मीडिया ने जो भी दिखाया था वो 100% गलत है। कोई ये कहे कि 1% तो सच्चाई होगी, वो भी सच्चाई नहीं है। सरकार से क्या अपील करोगे आप बाबा जी के लिए? सरकार से यही अपील है कि समाज को अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, तो सरकार भी ये देखे कि बाबा जी इतने सारे 134-135 मानवता भलाई के काम कर रहे थे, वैश्याओं को अपनी बेटी बना के, और जो वो भ्रूण हत्या होती है कन्याओं की उसको समाज में रोका पिताजी ने, तो इसलिए नशा छुड़ाया। यूथ जो नशे के दर्द में पागल हुआ जा रहा था वो नशा छुड़ाया, तो इसलिए बाबा जी की समाज को बहुत ज़रूरत है। और सरकार से हमारी ये अपील है, जिस चीज़ में सच्चाई नहीं है उसे बिल्कुल सच झूठ के तराजू पे तोल के सच बताया जाए समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है असली फैक्ट, जो आपने सूत्र नहीं है, ये वो लोग हैं जो 15 से 20 दिन डेरा सच्चा सौदा में लगाते हैं लगातार।
आज भी डेरा सच्चा सौदा में बैठे हैं। ये सवाल आप लोगों के लिए, क्या ये लेडीज की इज्जत इज्जत नहीं है? ये आज भी यहाँ पर बैठी हैं और मीडिया ने या लोगों ने इनके बारे में क्या दिखाया, आप लोग जरूर सोचिएगा खुले दिमाग से कि आज इतने लोग हम लगातार इस तरह इस उन लोगों को आपके सामने ला रहे हैं जो लगातार आश्रम में आ रहे हैं, या जो समाज के काम है जो बाबा राम रहीम जी के, उनको देखकर उनके साथ जुड़े हैं और आज भी विश्वास करते हैं उन पर। खुले दिमाग से सोचिएगा क्या सच्चाई है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर डालिएगा। और ऐसी सच्ची बातें जानने के लिए, सच्ची खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट लाइक के साथ। धन्यवाद।